हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर ईस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो है आपके एक्ट अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए, जो कि 2019-20 ईयर के लिए आपकी रहने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके शेड्यूल की। तो इसका जो डेट ऑफ पब्लिकेशन, जो नोटिफिकेशन है, वो 27 जनवरी 2020 को इशू की गई है, और इसके जो ओपनिंग डेट है अप्लाई करने के लिए वो 14 फरवरी 2020 से लास्ट डेट इसकी 13 मार्च 2020 आपकी रहेगी। और जो फ्रेंड्स यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो 30 मार्च 2020 को जारी की जाएगी। और यहाँ पर जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो फ्रेंड्स एलिजिबल कैंडिडेट जो कि इंडियन नेशनल के हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब भारतीय नागरिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेड वाइज, यूनिट वाइज, आपके कम्युनिटी वाइज यहाँ पर जो भी वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सीट अलॉट की गई है। आप जिस भी ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी डिवीजन में आप अप्लाई करना चाहते हैं और जिस कम्युनिटी से अप्लाई करना चाहते हैं उसमें कितनी सीट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके यहाँ पर डिवीजन वाइज आपको डिटेल देखने को मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो 15 से 24 साल की आपकी एज होनी चाहिए, और ये एज जो है वो इसके लास्ट डेट पर काउंट होगी। और यदि आप ओबीसी, एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज में जो छूट मिलती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो तरह की क्वालिफिकेशन आपकी रहेंगी। पहला, अगर आप 10th क्लास पास आउट हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, साथ में आपके पास एनसीवीटी या एससीवीटी अप्रूव्ड आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर आप 8th क्लास पास हैं और आपको पास यहाँ पर एनसीवीटी, आईसीवीटी का जो आईटीआई सर्टिफिकेट है वो इन ट्रेड में, जो कि 6 ट्रेड आपको यहाँ दी गई है, वेल्डर, शीट मेटल वर्कर, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर और पेंटर जनरल के लिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन है ये कंप्लीट होनी चाहिए डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब 27 जनवरी 2020 तक आपकी ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रिजर्वेशन क्राइटेरियाज दिए गए हैं, तो अपने रिजर्वेशन क्राइटेरियाज को आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपका मेरिट बेस रहेगा। यदि आप 10 से फॉर्म को फिल करते हैं, 10+ ITI, तो आपका जहाँ पर दोनों के मार्क्स मिलाकर आपकी यहाँ परसेंटेज तैयार की जाएगी, कट ऑफ तैयार की जाएगी। यदि आप 8 से फॉर्म को फिल करते हैं तो 8+ ITI की आपके यहाँ पर मार्कशीट की जो आपके मार्क्स हैं उसके लिए परसेंटेज यहाँ निकाली जाएगी। और यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला भी दिया गया है। मान लीजिए आपके 10th क्लास में 80.58% है और आपके जो ITI है उसमें 91.68% अगर आपकी है, तो यहां पर फ्रेंड्स जो ये फॉर्मूला है वो इस तरह से काम करेगा कि दोनों परसेंटेज को जोड़कर इसका डिवाइड कर दिया जाएगा और 86.13 आपकी जो है ओवरऑल परसेंटेज रहेगी। तो इस बेस पर आपका यहां पर जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाद कट ऑफ रहेगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि डेट टाइम कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और उसके बाद ही आपको यहां पर ट्रेनिंग के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद है एप्लीकेशन फीस। तो 100 रुपीज फीस रखी गई है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की है उनकी कोई भी फीस नहीं है। फीस आप ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हैं। अब यहां पर आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, तो RRCER.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, आपकी डिटेल्स को फिल करना है और आप केवल एक बार में एक ही यूनिट को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर या लेफ्ट थंब इंप्रेशन, आपके 8वीं 10वीं की मार्कशीट, आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ सर्टिफिकेट, एनसीवीटी या एससीवीटी का अप्रूव्ड आईटीआई सर्टिफिकेट, आपका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, ये आपको यहां पर अपलोड करने होंगे, तभी फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसके लिए आपको 2 प्रिंटआउट अपने पास निकाल कर रखने हैं। इसके बाद यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दी गई हैं, आप आराम से इनको चेक कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप परमानेंट जॉब नहीं होती है, ये सिर्फ आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट यहां पर इशू किया जाता है। इसके बाद यहां पर जो भी आपको लीगल इंस्ट्रक्शंस या इनवैलिड एप्लीकेशन डिटेल दी गई है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन को इनवैलिड कर दिया जाएगा। यदि आपका सिग्नेचर ब्लॉक लेटर्स में होगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन अगर आप उस पर नहीं देते हैं, सिग्नेचर नहीं देते हैं, फोटोग्राफ या फिर आप यहां पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं, या फिर आप यहां पर एक से ज्यादा फॉर्म को फिल करते हैं ऑनलाइन मोड में, तो आपका यहां पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको सभी डिटेल बता दी है कैसे यहां पर आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है ईस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की वो क्या क्या रहेंगी, कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में बता दिया है। जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में भी हम जल्दी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर, वहां पर जाकर आप इनकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं तो 14 फरवरी से आप इसमें
आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए A24 नॉलेज। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।